हेलो दोस्तों, मैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया हुआ था उसी में ये अगला लेक्चर है। और लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था जिसमें आपको बताना था कि जो मैं चार्जेस लिख रहा हूँ उनमें से कौन सा पॉसिबल चार्ज है, तो उसको आप प्रैक्टिस के तौर पे ले लीजिएगा। और जो मैं आपको उसको समझाने जा रहा हूँ इसको आप ये समझने के नाम पे, तो ये इससे आप समझिए जो मैं समझाता हूँ, और फिर इसको आप कर लीजिएगा जो मैं लास्ट टाइम दिया था। तो मैं कुछ इस तरह के चार्जेस लिखा रहूँगा कि 1 कूलम, फिर लिखा होगा 2.3 मिली कूलम, इस टाइप का लिखा होगा। फिर लिखा होगा -0.8624 नैनो कूलम, है ना। फिर लिखा होगा 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम, ऐसे। फिर ऐसे ये सब चीज़ें लिखा होगा मैं, लिखा होगा कि 4.5 × 10⁻¹⁹ कूलम, या ऐसे लिखा होगा 2 × 10⁻²⁰ कूलम। क्वेश्चन अब ये उठता है कि भाई कैसे हम लोग बताएं कि माइक्रो गुलाम, नैनो गुलाम, दिस दैट, 1 गुलाम, ये सब चीज़ें पॉसिबल है कि नहीं। तो मैं आप लोगों को बताया था कि भाई एक ही इक्वेशन है जो क्वांटाइजेशन रूल से हम लोग देखते हैं, और वो है इंटीग्रल, जो एलिमेंट्री चार्ज जिसे बोलते हैं, वो तो यही है, ई है ना, ई जो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। ई 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम मतलब चार्ज दुनिया में जो स्टेबल चार्जेज हैं जिनको लेके हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, जो कुछ भी पढ़ेंगे वो इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और इसे ही क्वांटाइजेशन भी कहते हैं। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल मतलब ऐसा दो इलेक्ट्रॉन होगा, दो दो इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, पांच इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, दो प्रोटॉन, चार प्रोटॉन चार्ज होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 3.5 इलेक्ट्रॉन हो जाए। मतलब फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब जो क्वांटाइजेशन रूल है वो तो इसका मतलब यही है कि क्वांटाइजेशन रूल इसका मतलब q बराबर प्लस माइनस एन ई। अब ये प्लस माइनस मैं इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि वो जो मैं बताया था कि दो तरह के चार्जेस होते हैं जो लाइक अनलाइक के नाम पे असाइन कर दिया गया प्लस और माइनस, तो इसीलिए मैं लिखा हूँ। और बाकी ये एन इंटीजर है, तो इसका यदि इससे देखा जाए तो इसका मतलब साफ है कि एन बराबर q/e। और साइन को ध्यान न रखें, साइन को छोड़ देते हैं, साइन के अनुसार तो प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है, तो प्लस रहे चाहे माइनस रहे फर्क नहीं पड़ता। तो ये ध्यान मत दीजिएगा कि यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं कि माइनस, हाँ मैग्नीट्यूड से मतलब है, मतलब इस मैग्नीट्यूड में इसमें डिवाइड किया जाए, बाकी प्लस माइनस जो भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों तरह के चार्ज होते हैं। तो यदि ये इंटीजर आता है, इसे इंटीजर होना चाहिए, यदि ये इंटीजर आता है तो चार्ज पॉसिबल है, यदि ये इंटीजर नहीं आता है तो चार्ज पॉसिबल नहीं है ना। तो अब यही रखेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे जो दिया गया वैल्यू रखेंगे, यदि वो इंटीजर आ जाता है, पूरा होल नंबर आता है, फ्रैक्शन नहीं आता है, तो ठीक है वो उतना होता है और मतलब चार्ज होता है, और नहीं आता है तो चार्ज नहीं पॉसिबल है। तो आप देखेंगे कि जब इसको रखा जाएगा ये, तो इंटीजर नहीं आएगा, इसको रखा जाएगा तो इंटीजर नहीं आएगा, तो ये दोनों चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसको रखा जाएगा तो इंटीजर आएगा, 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 तो इसलिए सब चार्जेस पॉसिबल है। माइनस रहे तो भी पॉसिबल है, प्लस रहे तो भी पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब प्लस माइनस चार्ज होते ही हैं। तो यही थ्योरी है, रख के अपना देख लीजिएगा, और यही चार्ज की पॉसिबिलिटी है। और इतना जल्दी मैं कैसे बता दिया कि ये सब आ जाएगा, मैं बताता हूँ, एक तो एग्जाम्पल भी लेते हैं आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यदि मैं कहूँ कि इसको यहाँ पे रख दें ना, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। 1 कूलम वाला सॉल्व करते हैं ना,
n, ऊपर में 1 कूलम था तो 1, और नीचे e की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे 1 कूलम है, यहाँ पे कितना कूलम है, 1.6 इंटू 10 to the power -19। इसलिए मैं इतना जल्दी इन सबको बता दिया, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा ना तो ये 10 to the power +19 हो जाएगा, ये बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा। और ये संख्या ऐसी नहीं है जो डिविजिबल, एक तरह से 1 को डिवाइड नहीं कर सकती है, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल टाइप का होता है ना। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये यहाँ पे तो वो ये है, और यहाँ पे जब ऊपर जाएगा तो 10 to the power जो -19 हो +19 हो जाएगा ऊपर जाने पे। अब बताइए, जब इसको डिवाइड करेंगे तो बड़े आराम से डिवाइड हुआ, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है ना, 2 into 2 into 2 into 2 है ना, 4 2 है ये, 2 into 2 इस टाइप का। मैं पॉइंट को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, और ये इतना बड़ा संख्या है कि मल्टीप्लाई होने के बाद इंटीजर ही आएगा, तो बहुत होगा तो ये, इसका मतलब ये इंटीजर आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए मिली है तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बड़े आराम से डिवाइड करता है। ये देखिए यहाँ पे 9 है, 9 तो 10 to the power -9 ही यहाँ पे होगा, तो भी बड़े आराम से डिवाइड करेगा। हाँ, ये दिक्कत है, माइक्रो हो, नैनो हो, मिली हो, सिंपल सा कोई चार्ज इस तरह का हो, है ना, सेंटी हो, फर्क नहीं पड़ता, सब पॉसिबल होंगे। और सब पॉसिबल होंगे का रीज़न है क्योंकि ये नीचे इतना बड़ा संख्या ऊपर जाके बनता है कि जितना भी पॉइंट वाइंट में फ्रैक्शन वर्शन होगा वो ये मल्टीप्लाई करके उसको इंटीजर बना ही देता है, और वो चार्ज पॉसिबल होता है। अब तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब चार्ज पॉसिबल होता है, इस तरह का होता है तो चार्ज पॉसिबल होता है। जैसे ही कूलम्ब में 10 to the power -19, -18, -20, -30 टाइप का होने लगा, तब हमें चेक करना पड़ता है। तो एक चीज़ ये है जो आपको नोटिस करना था, तो ये सब पॉसिबल है। हाँ, ये देखते हैं तो इसको देखते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो n बराबर चार्ज की वैल्यू 3.2 × 10 to the power -19 ये यहाँ पे रखा हूँ, और इसकी जगह है 1.6 × 10 to the power -19। पता चला कि ये 2 आएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन, 2e, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 आया है, 3 आएगा, 5 आएगा, इंटीजर आया है तो है ना। लेकिन हाँ, यदि इमेजिन करें कि इसको मैं चेक करूँ, इसको है ना, तो इसको चेक करूँगा तो देखिए यहाँ पे हमें 4.5 लिखना होगा, ये वाला, अच्छा ये वाला कैंसिल, ये देखिए इंटीजर नहीं आ रहा है। यदि इंटीजर नहीं आ रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है, ये वाला देखिए। अच्छा हाँ, ये तो बिना किए बता सकते हैं, कैसे बिना किए बता सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं कि 1.6 × 10 to the power -19 कूलम से कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यदि पावर ऐसे इस टाइप का रहे, -20, -22, -30, -40 इस तरह का, तब तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे कम हो गया। तो आप रख के भी चेक कर सकते हैं हालांकि, लेकिन अब तो मैं बता ही दिया कि भाई कम है यहाँ पे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन के तौर पे यदि मैं आपको बताऊं तो आपको कहूँगा कि भाई यदि किस तरह की चार्जेस पॉसिबल है, तो देखिए ऐसे भाई चार्ज तो यदि छोटे स्केल का देखा जाए तो ऐसे होगा कि भाई 1e, 2e, 3e, 4e and so on, मतलब इसी तरह के चार्ज पॉसिबल होंगे। हाँ, बहुत होगा तो प्लस माइनस करेंगे, भाई दो तरह के चार्ज होते हैं तो प्लस माइनस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1e का मतलब 1.6 × 10 to the power -19, 2e का मतलब 2 का मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, 3.2 × 10 to the power -19, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगा 3, तो इसका मतलब 4.8 × 10 to the power -19 कूलम, सब कूलम है। और 4e का मतलब 10 to the power -19 कूलम, इसीलिए देखिए ये वाला पॉसिबल था। 5e का मतलब 8 × 10 to the power -19 कूलम, इसका मतलब ये है
कि एक तो 10^-19 के साथ 1.6 रहेगा, 1.7 नहीं हो सकता, 1.8 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 3.1 नहीं हो सकता, सीधा 1.6 के बाद 3.2 होगा, उनके बीच में अब कोई भी नंबर नहीं होगा, बगल में तो ये रहेगा ही। 3.2 के बाद तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि किस तरीके से उनके बीच का एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब 3.2 के बाद सीधा 4.8 × 10^-19 आएगा, ऐसे बीच में कोई भी किसी भी तरह का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता इसी तरह का। तो ये क्वांटाइजेशन, ये डिस्क्रीटनेस है ना, इसी को क्वांटाइजेशन बोलते हैं। तो आप ये एग्जिस्ट करता है, ये करता है, ये करता है, इसी तरह की बातें हैं ना। तो ये पॉइंट है जो आपको जानना था। अच्छा, एक और पॉइंट जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब में बात क्यों करते हैं। तो करने के तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन कूलम्ब में इसलिए बात करते हैं क्योंकि कूलम्ब एक बड़ी यूनिट है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा एलिमेंट्री जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, तो वो 1.6 × 10^-19 कूलम्ब इतना बहुत ही कम है। तो यदि मैं ये कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो इतने चार्ज का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव या कोई चीज़ इफेक्टिवनेस नहीं आती है। एटॉमिक लेवल पे देखेंगे तो प्रभाव भी आता होगा, लेकिन हम लोग तो अपने लाइफ में इस लेवल पे अपने करेंट, पावर, एनर्जी, दिस दैट, है ना, तो उस लेवल पे तो इस चार्ज का बहुत ही कम वैल्यू है। इसका मतलब 1 कूलम्ब कितना होता है, यदि बात करें 1 कूलम्ब कितना होता है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकालना पड़े। तो मैं ये कहूँगा कि 1 कूलम्ब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 कूलम्ब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 कूलम्ब बाई 1.6 × 10^-19 कूलम्ब, है ना, 1 कूलम्ब दिस, तो नंबर ये संख्या आएगा 6.2 × 10^18। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो इसका मतलब मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स या इतने प्रोटॉन्स, तब जाके 1 कूलम्ब चार्ज होता है। यदि इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे, इतने नंबर्स, कितना बड़ा नंबर है, तो -1 इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलेंगे, इतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलेंगे इकट्ठे कलेक्टिव, तो इतना ही +1 कूलम्ब चार्ज होगा। तो ये कूलम्ब इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो इफेक्टिवनेस है चार्जेस की, उसकी बात हो सके, इसीलिए हम लोग कूलम्ब में बात करते हैं। और ये सारी चीज़ें एलिमेंट्री चार्ज की इस तरह की कम बातें करते हैं। हालांकि कुछ भी मिली कूलम्ब, नैनो कूलम्ब, माइक्रो कूलम्ब, कुछ भी कूलम्ब लिखेंगे तो वो पॉसिबल होता ही है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज और चार्ज के बारे में उसका यूनिट, बड़ी यूनिट, छोटी यूनिट, क्वांटाइजेशन, सब रूल तो पढ़ लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई जो चार्जेस हैं, जो रियल लाइफ में जिनको यूज़ करके सब कुछ, बल्ब, फैन, फ्रिज, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, आयरन, हीटिंग, दिस दैट, जितने भी आप देख रहे होंगे, इलेक्ट्रिक मोटर्स, मतलब जहाँ देखिए वहीं पे इसका यूज़ है, जिसके लिए हम लोग डिटेल में पढ़ना भी चाहिए। तो मैं ये हो, अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई चार्जिंग करें कैसे, सारा चीज़ तो न्यूट्रल लगता है, लकड़ी, ये सब चीज़ें न्यूट्रल, आखिर चार्जिंग होगी कैसे। सो चार्जिंग मतलब किस तरह से हम लोग चार्ज करते हैं, मतलब किसी बॉडी को चार्जिंग की बात करें, चार्जिंग ऑफ बॉडी तो इसको कई तरीके से हम लोग चार्ज कर सकते हैं किसी भी बॉडी को, है ना। तो क्या क्या प्रोसेस है उसकी बात कर लेता हूं। तो फ्रिक्शन से कर सकते हैं, दूसरा कंडक्शन से कर सकते हैं, तीसरा इंडक्शन से कर सकते हैं,
ये हीटिंग से कर सकते हैं, रेडिएशन से कर सकते हैं, और भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी तो ठीक है, ये मेनली यही सब चीज़ें हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रिक्शन मतलब ये कि आखिर फ्रिक्शन से कैसे करेंगे फ्रिक्शन चार्जिंग। तो आप देखिए ऐसे करेंगे तो हो सकता है कि इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए, है ना। चाहे सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड लेके, जैसे मान लीजिए सिल्क क्लॉथ है, ये रॉड है और ये क्लॉथ मान लेते हैं, तो ऐसे करेंगे तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंडेड होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो वो इसके साथ चले जाते हैं, है ना। और इसीलिए ये जो स्ट्रॉज खींचते हैं इसकी चार्जिंग हो जाती है, ठीक है। तो पहले ये जो रॉड है इसको ग्लास रॉड मान लेते हैं, इसे सिल्क क्लॉथ या एम्बर है ऐसे। तो जब हम लोग फ्रिक्शन ऐसे जब रब करते हैं, रबिंग उसे, तो जब ये ऐसे करेंगे तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो जहाँ पे बॉडी दोनों न्यूट्रल थी, न्यूट्रल इसलिए थी क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस थे प्रोटॉन के रूप में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव के रूप में थे, दोनों पे बराबर चार्ज होता है और नेट जीरो होता है। उसी तरह से दूसरे वाली बॉडी पे है जाए, लेकिन जैसे ही रब करते हैं तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, तो जिसमें ट्रांसफ़र होते हैं वो उस पर नेट निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाती है तो नेट निगेटिव हो गया। अच्छा, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच बॉडी। और जिससे जिस बॉडी से ट्रांसफ़र होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है, पहले दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट जाते हैं, तो उसमें से उसे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बॉडी कहते हैं। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन संख्या कम हो गई, प्रोटॉन तो उतने ही रह गए, तो इस पर नेट पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अच्छी बात यह है, ध्यान देना कि जितना इस पर निगेटिव चार्ज होगा उतना ही दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज होगा। कुछ बातें इस तरह की भी होती हैं कि क्या इस तरह से रब करने से या इस प्रोसेस से जो चार्जिंग करते हैं उसमें क्या मास का डिफरेंस आता है, ठीक है, इसकी भी बात कर सकते हैं। अप्रिसिएबली तो नहीं आता, अप्रॉक्सीमेटली सेम रहते हैं, जो मास पहले दोनों का रहता है उतना ही रहता है, बदलाव नहीं आता। लेकिन यदि हम आइडियलिज्म की बात करें, एग्जैक्ट की बात करें, तो मतलब थोड़ा ही सही बात करें कि किसका ज़्यादा है, तो ये कहना होगा कि जिस इलेक्ट्रॉन जिसमें गए हैं दूसरे बॉडी से जिसमें गए हैं उसका थोड़ा सा मास ज़्यादा हो गया होगा, और जिसमें से गया है ट्रांसफ़र हुआ है उसका थोड़ा सा कम हो गया होगा। अब ये थोड़ा तो 10^-31 का ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 10^-31 kg का ऑर्डर है, तो अब क्या बात किया जाए। लेकिन यदि गन पॉइंट पे नहीं बताना ही है कि नहीं तो गोली मार देंगे, इस टाइप का मान लीजिए हो गया कि अनइक्वल बताना ही है कि किसका ज़्यादा हो गया किसका कम हो गया, तब तो ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन जो निगेटिवली चार्ज जो बॉडी है बाई रबिंग, तो उसका जो अपना मास पहले रहा होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया होगा, और जो पॉजिटिवली चार्ज है जिसमें से इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो उसका थोड़ा सा कम हो गया होगा, एक ये पॉइंट है। और तो ये रब करने से, बाय रबिंग ना। अच्छा, ये कंडक्शन वाला क्या है यार? तो कंडक्शन वाला ये है कि कोई एक कंडक्टर है जो चार्ज्ड है, कोई बॉडी चार्ज्ड है तो किसी दूसरे कंडक्टर से टच में लाएंगे। जैसे मान लीजिए ये न्यूट्रल है, ये चार्ज्ड है ना, दोनों ही कंडक्टर हैं, जब दोनों को टच कराएंगे तो इस तरह की व्यवस्था बनेगी। देखिए, ये कंडक्टर है, जब एक दूसरे न्यूट्रल कंडक्टर से टच कराए तो दोनों पे आ गया, अब दोनों को सेपरेट कर लीजिए, ठीक है, चार्ज हो गया, ये इसी का चार्ज थोड़ा सा इसमें आ गया होगा। अच्छा, इंडक्शन, व्हाट इज इंडक्शन, ये बहुत पॉपुलर है, ये तो आगे हम लोग बड़े स्तर पे पढ़ेंगे, भी चैप्टर भी है इस तरह का। इंडक्शन, व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अ न्यूट्रल कंडक्टर, अ कंडक्टर
देन रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू मेक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो, है ना, इंडक्शन इसे कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट नियर अ कंडक्टर, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन. और ये ऐसा हो जाएगा तो पीछे से हम लोग अर्थिंग करा के उस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं. तो यदि आपको ये दोनों समझ में आ गया तो इसको फिर देखते हैं इंडक्शन क्या होता है. इंडक्शन, तो इंडक्शन का मतलब ये है कि जैसे ऐसे देखिए, ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, नीडिल है और ये आयरन का बना हुआ, स्टील का, गोल्ड का, सिल्वर का, मतलब मेटल का कंडक्टर है ये, है ना, और ये पूरा बैलेंस्ड है भी. जैसे ही एक चार्ज्ड बॉडी इसके पास लाएंगे तो इसका शेप मतलब अरेंजमेंट इसका ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है, एक चार्ज्ड बॉडी को पास में लेके आए तो ये टेढ़ा हो गया, जो नीडिल है तिरछा हो गया, इसलिए तिरछा हो गया, इसलिए इंक्लाइंड हो गया, टिल्ट हो गया, क्योंकि इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे अंदर में वो सारे के सारे यहाँ पे अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि अनलाइक चार्ज इसको अट्रैक्ट होता है. प्लस चार्ज है तो यहाँ पे माइनस खींच लेगा, यदि माइनस चार्ज होता तो यहाँ पे प्लस खींच लेता, और क्योंकि ये यहाँ से चार्ज कहीं ना जा सकता है, नहीं आ सकता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो यहाँ पे आ जाएगा उतना ही प्लस. क्यों मैं यहाँ पे माइनस प्लस कर रहा हूँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था तो ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हाँ, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज है ना. तो इंडक्शन क्या है, When a charged body or a charge is brought near a conductor, then electrons inside conductor starts rearranging. This process is known as induction. ठीक है, तो अब ये इतना चार्ज यहाँ पे नेगेटिव प्लस नेगेटिव को पास में खींच लेता है, अट्रैक करता है, तो यहाँ पे अच्छा, अब ये ऐसा नहीं है कि ये प्लस चलता है पर माइनस चलता है, प्लस नहीं चलता है. प्लस तो प्रोटॉन होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो सॉलिड मैटर में तो उसको चलना तो था नहीं. हाँ, तो हुआ क्या वो मैं बता देता हूँ. इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो यूनिफॉर्मली पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, जो इधर के इलेक्ट्रॉन थे वो ये खींच लिया, पास में लेके चला आया, तो इलेक्ट्रॉन बस इधर गए हैं. और क्योंकि इधर के इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं तो ये जो रीज़न है इसमें से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई है, इसीलिए नेट प्लस है. और ये जो रीज़न है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच है. तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट रीजन बोलते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन रिच रीजन बोलते हैं, पर संख्या दोनों बराबर है. यदि मैं कहूँ कि इस पर चार्ज माइनस क्यू है, माइनस क्यू यहाँ पर है टोटल, तो यहाँ पर भी प्लस क्यू ही होगा. अब हम लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं कूलॉम्स लॉ की तरफ, कि ये जो माइनस चार्ज उतना ही है और ये चार्ज जो खींचा है तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि पास में है, और इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इसके द्वारा वो कम लग रहा होगा क्योंकि दूर है. तो प्लस और प्लस के बीच में रिपल्सन होता है, दूर है, और प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है, पास में है. तो ये फोर्स जो यदि मैं इसकी बात करूँ कि इस पे जो फोर्स लग रहा होगा F1 और इसके द्वारा जो रिपल्सन इस पर लग रहा होगा F2, तो यदि मैं यहाँ पे लिखूँ तो कह दूँ कि इन ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है पर जो फोर्स लग रहा है वो बराबर नहीं है. मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ F1. क्यों ऐसा लिख रहा हूँ वो तो मैं एक्सप्लेन कर ही दिया हूँ. और क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स है इसीलिए इसको टेढ़ा कर दिया है. ठीक है, अब रही बात की तो इंडक्शन ऐसे कैसे हुआ, तो मैं बताता हूँ इंडक्शन का यूज करके. तो अच्छा, इसे इंडक्शन कहते हैं, है ना. इसको यदि आपको लिखना है, नोट्स बनाना है तो लिख भी सकते हैं कि व्हेन अ चार्ज और चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट नियर अ कंडक्टर देन रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड इज नोन एज
प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन। एनीवे, सो अब रही बात कि चार्जिंग कैसे करें, अभी तो नेट चार्ज जीरो ही है, तो ये करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसा है कि इससे भी चार्जिंग किया जा सकता है, हालांकि ये उतना पॉपुलर नहीं है, तो इधर इधर कर देंगे, इसको अर्थिंग कर देंगे ना, तो ये पूरा का पूरा चार्ज इधर चला जाता है, ये जो चार्ज है और पूरा यही बच जाता है, तो अर्थिंग करने के बाद फिर हटा लेंगे और इसको भी हटा देंगे और पता चला कि इस पर निगेटिव हो जाएगा। फिर सुनिए, प्लस चार्ज लेके आए, यहाँ माइनस चार्ज इंड्यूस, इसे इंड्यूस कहते हैं ना इंडक्शन, यहाँ पे माइनस चार्ज इंड्यूस हो गया, यहाँ प्लस चार्ज इंड्यूस हो गया, अर्थ के साथ इसको जोड़ देंगे वायर से, जिसे अर्थिंग बोलते हैं, तो ये पूरा चार्ज अर्थ में चला जाएगा, केवल यही माइनस बचेगा, फिर इसको हटा देंगे पहले, और फिर बाद में इसको भी हटा देंगे, और ये सिंपल सा माइनस चार्ज हो जाएगा। अच्छा, इस पर यदि प्लस चार्ज लाना है, तो इसको प्लस चार्ज लाना है, तो ये यहाँ पे एक ठो माइनस चार्ज लेके आएंगे, तो यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा, इसको फिर से अर्थिंग कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा चार्ज अर्थ में चला जाएगा, और इसको भी हटा देंगे बाद में, इसको हटाने के बाद इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा। तो ये रहा इंडक्शन, ठीक है। तो अब रही बात हीटिंग की, किसी भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनको आप हीट करेंगे ना, ऐसे हीट करिए, चाहे वायर से हीट करिए, है ना, कैसे भी किसी मटेरियल को हीट करिए, और यदि लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं बहुत हाई हीटिंग के बाद, तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, जिन्हें थर्मल इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, है ना, जो लूजली बाउंडेड आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, तो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये निकलना शुरू हो जाएंगे, तो थर्मल इलेक्ट्रॉन्स इन्हें बोलते हैं। थर्मल इलेक्ट्रॉन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हीटिंग से ये निकले हैं, तो ये और भी मॉडर्न में चैप्टर भी है, कहीं पे इस तरह की बात आएगी तो आप ध्यान भी रख सकते हैं, कि किसी मैटर को इतना हीट कर दिया जाए कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं जो फ्रीली अंदर में कंडक्टर में मूव करते हैं वो छोड़ के भाग जाएँ उस मैटर को, तो उसको हम लोग थर्मल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं जो निकल गए। लेकिन आप बताइए, जितने प्रोटॉन थे वो तो हैं ही, और जितने प्रोटॉन थे पहले उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, अब इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, प्रोटॉन उतने ही हैं, तो प्रोटॉन उतने ही हैं, पॉजिटिव चार्ज उतना ही है, निगेटिव चार्ज थोड़ा कम हो गया, तो नेट तो पॉजिटिव चार्ज हो गया होगा, तो ये है, ये हीटिंग वाला हो गया। अच्छा, रेडिएशन वाला भी आप देखेंगे कि कोर्स में, मॉडर्न फिजिक्स में और बहुत सारे जगह इस तरह की बात भी होगी, किसी 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 मेटल पे, मैटर पे, कंडक्टर पे यदि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट कराएं, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, है ना, बहुत सारे ऐसे हैं, गामा रेज, है ना, ऐसे चाहे हो सकता है विजिबल रेंज का ही हो, लाइट इंसिडेंट कराएं, सनलाइट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको देखने को भी मिलता है, तो पता चला कि रेडिएशन फॉल कराएं, किसी बॉडी पर, किसी मैटर पर रेडिएशन फॉल कराएं, तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन निकल भागने लगते हैं इसमें से। अब बताइए, इस मेटल से, मैटर से रेडिएशन फॉल, मतलब लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट जो लाइट होती है वो इस पर फॉल कराए, तो इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गए। फिर वही बात आ गई, पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था ये, जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, हर एटम में यही होते भी हैं, एटम से मिलकर ये बना हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन निकल गए, प्रोटॉन तो जाता नहीं क्योंकि न्यूक्लियस में फिक्स होता है वो। अब बताइए, पहले तो जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, नेट क्या हुआ होगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया होगा। तो ये रहा चार्ज होने के तरीके, चार्जिंग के तरीके। और रही बात कि अब इन चार्जेस का जो हम लोग चार्जिंग कर चुके हैं, इनके बीच में जो इंटरैक्शन का लेवल है ना, कि अब ये इंटरैक्ट कैसे करते हैं, धीरे धीरे हम लोग ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहे हैं कूलॉम्स लॉ की तरफ, है ना, तो आखिर इनके बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं ना, बाकी तो फील्ड और ये सब चीज़ पढ़ेंगे। तो अब बात आती है कि फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन क्या होता है, तो अब पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ।
जैसा कि मैं इंट्रोडक्शन में मैं बता चुका हूँ कि चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, करंट और ये सब चीज़ें, मैग्नेटिज्म के बारे में एक लंबा सा इतिहास है जो कहते हैं इंग्लिश कैलेंडर से पहले 500-600 साल पहले 500-600 BC इस तरह की बातें आती हैं कि थेल्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया। जैसा कि मैं बताया था कि उन्होंने इनानिमेट मतलब निर्जीव चीज़ों में भी सोल की बात की थी, आत्मा की बात की थी, क्योंकि उनके पास आइडिया नहीं था ये कैसे खिंचा जा रहे हैं, ये अपने से कैसे चला आ रहा है, ऐसे ऐसे करके ऐसे किए तो बहुत सारे तिनके खिंचा गए, चाहे ऐसे ऐसे करेंगे तो इसमें बाल खड़े हो जाते हैं, आखिर ये क्या हो रहा है। तो आज हम लोग को पता चल गया है कि ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है ना। जैसा कि मैंने बताया कि सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड को लेके ऐसे ऐसे करेंगे तो ग्लास में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं सिल्क क्लॉथ में, तो जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जो सिल्क क्लॉथ है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और उनके बीच में अब तो अट्रैक्शन होगा ही, तो यही पढ़ने जा रहे हैं। तो एक लंबा सा इतिहास है कि थेल्स आए, गिलबर्ट आए, फिर रॉबिन्सन आए, बहुत सारे लोग आए, उनमें से अच्छा एक लंबी सी फहरिस्त है ना, फ्रैंकलिन आए, एक लंबी सी फहरिस्त है जिसमें से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का नाम भी ना आ पाया हो, बहुत सारे कंट्रीज़ में, बहुत सारे सिविलाइजेशन में कहीं पे लोग अपना एक्सपेरिमेंट किए भी होंगे और नाम ना आ पाया हो। तो बहुत सारे लोग अब काम करते रहे, सक्सेसर के रूप में लोग आते रहे, 500-600 साल पहले कैलेंडर ईयर से शुरुआत हुई, आफ्टर क्रिस्ट और ये सब चीज़ें आई, और इतना सारा एक 2500 साल का इतिहास आप समझिए, इमेजिन करिए कि 2500 साल का अपना एक यहाँ तक एक जर्नी है इन सब चीज़ों की। तो उसी में से एक नाम आता है जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल, या कहिए कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कहिए, चाहे स्टेट कहना कहिए कि स्टेटमेंट उन्होंने दिया, एक्सपेरिमेंट किया और बहुत फाइन तरीके से न्यूटन के ग्रेविटेशन की तरह इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला एक एक फार्मूला दिया, तो वो नाम आता है ये चार्ल्स अगस्टिन डी कुलोंग है ना। तो ये इन्हीं के नाम पे ये लॉ है, तो मैं अब इसमें नहीं जाना चाहता। 18वीं सेंचुरी में शायद इन्होंने किया था, 1785 के अराउंड मोस्ट प्रोबेबली, एग्जैक्ट ईयर से कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन हम लोग को समझने की कोशिश है कि रियली में कितना इसका यूज़ होगा। तो हम लोग इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि कुलोंग्स लॉ है क्या। तो कुलोंग्स लॉ स्टेट करते हैं, स्टेटमेंट इनका ये है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होता है वो उन चार्जेज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इन्होंने जो जो लॉ दिया था वो ये था कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ
डिस्टेंस बिटवीन देम। मैं लिख दिया, यदि आपको नोट बनाना है तो आप लिख भी सकते हैं। तो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होता है या मैग्नीट्यूड ऑफ जो फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है वो दोनों पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यदि आप ये लिख लिए हैं तो फिर मैं इसको इसको मैं इसको फार्मूले के तौर पे लिखता हूँ सिंबल के फॉर्म में। तो आप ये देखिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन। अच्छा हाँ, इसके लिए मैं बात कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा है कि मैं ऐसे आपको बताऊँ तो आप ज़्यादा समझेंगे कि यदि ये प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज है, Q1 है और Q2 है, ठीक है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, छोड़ देंगे तो भाग जाएंगे, दूर भाग जाएंगे, F और F लगेगा। अच्छा यदि ये Q1 चार्ज है, ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, ये प्लस Q माइनस Q1 है और ये माइनस Q2 है ना, तो ये फिर से लाइक चार्जेस हैं, माइनस माइनस है तो भी रिपल्सन होगा। यदि इनको भी यदि छोड़ दें तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये भाग जाएंगे, ये इस पे फोर्स उधर लगा रहा है, ये इसको धक्का मार रहा है, ऐसे भाग जाएंगे। लेकिन यदि एक प्लस क्यू वन है और ये माइनस क्यू टू है तो एक दूसरे को ये खींचेंगे, मतलब इनको छोड़ देंगे, दो चार्ज एक प्लस Q1 है एक माइनस Q2 है, इनको छोड़ देंगे, चाहे पकड़े भी रहेंगे तो ये खींच रहे होंगे, हमें पकड़ना होगा, छोड़ देंगे तो ये खींचा जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यदि इनके बीच की दूरी को हम लोग R कहें, इनके बीच की दूरी को यदि R कहें, इनके बीच की दूरी को यदि R कहें, तो आप देखिए लाइक चार्ज का मतलब होता है प्लस प्लस, लाइक चार्ज का मतलब होता है माइनस माइनस, पर अनलाइक चार्ज का मतलब होता है प्लस और माइनस। तो ये जो चार्जेस हैं उनके बीच का जो फोर्स है आपको मैं दिखा चुका हूँ, इसी के बारे में एक लंबी सी जर्नी रही है साइंस की, इलेक्ट्रिसिटी की। सो दिस फोर्स, जो फोर्स दिख रहा है आपको, ये फोर्स लगा हुआ एक दूसरे पर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ क्यू वन क्यू टू, सब मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर, इनके बीच की दूरी r माना हूं मैं, है ना। यदि दोनों को कंबाइन किया जाए, दोनों को कंबाइन करें तो हम लोग दोनों को कंबाइन करने पे हम यहां पे पहुंचेंगे कि फोर्स बराबर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाई r स्क्वायर, फोर्स इज डायरेक्टली। अच्छा हाँ, ये सब कहाँ से आया है, क्वेश्चन हो सकता है कि ये सब कहाँ से आया है, तो ये सब एक्सपेरिमेंट पे आया, एक्सपेरिमेंट से आया है, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे क्यों नहीं लगाना होता है। दो चार्ज लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, क्यों, रीजन ना पता चला है ना पता चलेगा। दो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लगेगा, बहुत सारे नेचर की चीज़ें होती हैं जो है अब ऐसे, तो वहाँ पे हर जगह क्यों की बात नहीं होगी। तो ये है Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के और 1 बाई आर स्क्वायर। यदि आप ये समझ गए हैं तो इसको मैं ये इसको मैं मिटा देता हूँ और लिख देता हूँ कि ये यदि इससे फिर से देखा जाए तो हो जाता है F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आई है, के की वैल्यू होती है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9। यदि इस के का यूनिट देखा जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यदि इस तरह से देखा जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, के का यूनिट है।
और के की ये वैल्यू है। अच्छा, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। ऑफ मीडियम या एब्सोल्यूट परमिटिविटी या अच्छा एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहिए, चाहे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहिए, है ना। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी कह सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कह सकते हैं, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी कह सकते हैं, सब एक ही बात है। तो एक तो ये पॉइंट है जो आपको जानना था। अच्छा हाँ, कुछ चीज़ें और बात कर लेते हैं। जब दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। लेकिन लगते किधर है वो समझने वाली बात है, दोनों पॉइंट चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगते हैं। मतलब या तो दो पॉइंट चार्ज ऐसे है तो या तो रिपल्सन होगा तो ऐसे होगा, अट्रैक्शन होगा तो ऐसे होगा, एक दूसरे को खींचेंगे ऐसे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये इस पे इधर लगा दे, ये इस पे इधर लगा दे, है ना। लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग मतलब ये जो लाइन ज्वाइन हो रहा है दोनों चार्ज का उसी के लॉन्ग, तो रिपल्सन होगा तो अवे होगा और अट्रैक्शन होगा तो उसी लाइन ज्वाइनिंग की तरफ होगा। तो एक ये पॉइंट है। एक और चीज ध्यान देने वाली है बात, ये जो चार्ज, ये जो इस पे फोर्स लग रहा है एफ, ये लग इस पे रहा है और लगाने वाला ये है, और इस पे जो फोर्स ये लग रहा है लगाने वाला ये है। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ कि Q1 पे जो फोर्स लग रहा है, इधर Q1 पे वो फोर्स इधर लग रहा है, तो इस पे लग रहा है, इस Q1 पे लग रहा है और लगाने वाला ये है, Q2 खींच रहा है इसको, और इस पे जो फोर्स दिखाया गया है लग रहा है Q2 पर इधर की तरफ, खिंचाओ इधर इधर, और लगाने वाला Q1 है, Q1 खींच रहा है उसको। तो एक तो ये पॉइंट है जो आपको देखना था। और रही बात ये परमिटिविटी के बारे में जानने की कि ये चीज़ क्या है, तो उसके लिए भी बात कर लेते हैं कि ये क्या है। तो ये तो कूलॉम्स लॉ का अपना एक वैल्यू है, ये जो हम लोग देख लिए हैं, जिसमें हम लोग इसको वैल्यू रख रख के हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं जहाँ पे ये वैल्यू रखना है। अब रही बात ये इसके वैल्यू की, तो ये जो परमिटिविटी है ना, यहाँ पे यदि मैं इसको फिर से पूरे के की वैल्यू रख के लिखें तो ये कहा जाएगा कि जो फोर्स दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स होता है वो होता है Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r square। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यदि वैक्यूम ना हो, एब्सोल्यूट परमिटिविटी यहाँ पे ना हो, स्पेस फ्री ना हो, सब एक ही बात है, यदि एयर हो, वाटर हो, हाइड्रोजन गैस हो, कुछ और हो, तब हम क्या करें यहाँ पे? तो ठीक है, यहाँ पे परमिटिविटी उसका रखेंगे। तो यदि जनरल बात करेंगे तब तो यहाँ पे कहेंगे कि भाई यहाँ पे परमिटिविटी होगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी नहीं होगा। एब्सोल्यूट परमिटिविटी तो तब होगा जब एब्सोल्यूट स्पेस होगा, वैक्यूम होगा, फ्री स्पेस होगा, तो उसकी परमिटिविटी होती है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि परमिटिविटी क्या होती है? अब ये बहुत कम बुक वाले लिखे हैं, पता नहीं क्यों नहीं लिखे हैं परमिटिविटी के बारे में, हालांकि बहुत ज़्यादा रिसर्च और इस तरह करने की ज़रूरत भी नहीं है, अब है तो। सो परमिटिविटी और परमिएबिलिटी ये दोनों स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो परमिटिविटी इससे देखने से साफ लग रहा है कि परमिटिविटी प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू प्रोपोगेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मीडियम और एनीथिंग स्पेस। मोर परमिटिविटी लेस फोर्स, लेस प्रोपोगेशन ऑफ फील्ड टू अप्लाई फोर्सेस ऑन अदर चार्जेस। देखने साफ लग रहा है क्योंकि यूनिवर्सली है ना, नीचे है ना, इसलिए। तो परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेस और मीडियम। और जो परमिएबिलिटी हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, म्यू नॉट होता है, म्यू होता है। और यहाँ पे तो परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी इज करेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम विच प्रोवाइड्स या विच रेजिस्ट टू प्रोपोगेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड मीडियम टू अप्लाई फोर्सेज ऑन अदर चार्जेज इन स्पेस।
तो देखने से लग रहा है, तो एक तो ये पॉइंट है जो आप लोगों को जानना चाहिए, कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए रिलेटिव परमिटिविटी से और परमिटिविटी से। यदि कहा जाए कि इसका इसका यूनिट क्या है, यूनिट यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन, तो देखिए तब ऐसे कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो लग रहा है कि कूलॉम स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी आप लोग देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है। यहां से एप्सिलॉन नॉट को इधर कर दी, इधर इसकी वैल्यू इधर कर लीजिए, है ना। मैं ये कर रहा हूं कि यदि यहां पे कैलकुलेट किया जाए तो एप्सिलॉन नॉट कितना हुआ, इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो वैल्यू आ गई 4 पाई इंटू 9 × 10⁻⁹ परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू है, यूनिट तो ये है ही, तो इसकी वैल्यू हो गई कितनी, यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो पता नहीं 8.85 या ऐसे कुछ आता है इंटू 10⁻¹২ दिस मच, देख लीजिएगा इसकी वैल्यू 8.886 आता है या 1.13 ऐसे कुछ आता है वह, तो इस पे मैं नहीं जाता हूँ, कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट किया भी जा सकता है वैसे बड़ी आसानी से, इसकी यदि मैं कहूँ कि यही वैल्यू है तो ठीक है, इतना ही। सो कैलकुलेशन पे मैं नहीं जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कि इसकी वैल्यूज कितनी आती हैं इन तरह की चीज़ों में। तो ये हम लोग आज पढ़े कूलॉम्स लॉ की, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में किस तरीके से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, कैसे लगते हैं, किन के बीच में क्या होता है। अगली बार हम लोग पढ़ेंगे कि कूलॉम्स लॉ के कब अप्लाई होगा, कब अप्लाई नहीं होगा, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, और बाकी हम लोग अगली बार क्वेश्चन करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।